मीरपुर खास शादी पली के करीब गांव मजीद पवन इलाका सादकाबाद में बारिश के खड़े पानी में 20 साल लड़की मीरा वल टेकम कोली सलाबी पानी में डूबकर जान बहक हो गई। वुडसा ने कहा कि रात घर से बाहर निकली, हम उसे ढूंढते रहे, जबकि सुबह घर के बाहर खड़े पानी में हमारी बेटी मीरा की लाश तैरती हुई नजर आई। बाअसर वडेरों ने अपनी जमीनों से तो पानी निकाल लिया, पर हमारे बार बार कहने के बावजूद भी हमारी किसी ने नहीं सुनी और खड़े पानी ने हमारी बच्चे की जान ले ली। वुरसा ने कहा कि उस वक्त तक लड़की की तस्वीर नहीं करेंगे जब तक जिम्मेदारों पर मुकदमा न दर्ज किया जाए। वुरसा का वीडियो वॉइस HNN न्यूज को मौकिफ। ऐसी खबर मिलने पर PTI के मरकजी रहनुमा रुकने सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख का इस अलमनाक जवान मौत पर सख्त रद्द अमल सामने आ गया। आप देखें ये साइड, ये पानी नहीं है, ठीक है, ये सारा देखें ये पानी है, ठीक है। अब मैं कार में आगे जाऊंगा, वो शादी पली तो पुरानी शादी पली वो रोड वो जा रहा है और उस रोड की परली साइड भी पानी नहीं है। आपको मैं दिखाता हूँ, चले आप चले मेरे साथ। कहाँ से हम कहाँ से निकले, हमारा बच्ची इधर पानी में डूब गई, हमने सारा दिन सारी रात हमने डूब टुकड़े में ये पानी ये पड़ा, इसमें डूब गई हमारी लड़की, हमारा पानी निकालने का सारी नहीं है। रात 2 बजे पानी निकालने यहाँ से कौन नहीं दे रहा है पानी, ये पीपल्स पार्टी वाले निकालने दे रहे हैं। और रात को 2 बजे जो है इसने मुझे कॉल की थी, हम सारी रात लड़की को आसपास में ढूंढते रहे, पूरी रात हमने ढूंढा और लड़की सुबह को अलग सुबह हमने इधर से उसकी लाश निकाली है। इस जुल्म का हिसाब कौन देगा? इस तरीके से तुम लोग इलेक्शनों में खड़े हो गए। मैं इस बच्ची के सर पे हाथ रख के कसम खाता हूं, मैं इसको उस वक्त तक नहीं दफनाऊंगा जब तक इसके खून का अजाला नहीं होगा। एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर की पे FIR ला जो, दूसरी जो उसकी पुष्ट पनाई कर रहा है सरदार शाह, जो अपने आप को बहुत बड़ा दाना समझता है, सिंध का बेटा समझता है, उस पे उन दो बंदों पे FIR कटवाएं, इस बच्ची के खून का मुकदमा उन पे दर्ज करें, उसके बाद हम इसकी लाश दफनाएं, नहीं तो हम इसकी लाश भी नहीं दफनाएंगे। और इनको फौरी तौर पे इनका यहाँ से पानी निकाला जाए, इनको इनको पक्के घर प्रोवाइड करें। ये इन लोगों की हालत है, ये देखो ये बूढ़े लोग हैं, ये सारे ये गरीब लोग, इनका कसूर ये हमारे साथ खड़े, इनका ये वाकया आज एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है शादीपल्ली जिला उमरकोट के गांव मजीद हुसैन पहावर में। मीरन कोली एक 20 साल लड़की जिसके वालिद टीकम कोली हैं, गरीब लोग थे, हारी थे, उनके कुर्ब जवार में बहुत पानी खड़ा हुआ था। आप सब जानते हैं कि मैं 20-25 रोज से हम जा रहे हैं, बता रहे हैं, मीडिया के भी शुक्र गुजार हैं कि वो दिखा रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत के कानों पर जू नहीं रिंग रही कि पानी निकलवा दें। हाँ पानी निकल रहा है, लेकिन इनके अपने गोठों का पानी निकल रहा है, अपने इलाकों का पानी निकल रहा है, अपनी जमीनों का पानी निकल रहा है। इन्होंने अपनी जमीनों के पानी बचाने के लिए गरीबों के गोठ डुबो दिए। ये बेचारी, इसका जहनी तवाजुन ठीक नहीं था, और रात को कहीं ये इन्होंने घर में थी वहां से निकली है, और उसके बाद जाकर इस पानी जो 5-7 फुट पानी खड़ा था घरों के करीब, उसमें डूब के मर गई है। 20 साल लड़की मीरन कोली टीकम कोली की बेटी, शादी पल्ली की। और सूरत हाल यह है कि सरदार शाह साहब ने उमरकोट में अपने अपने इलाकों से पानी निकलवा दिया, अपनी जमीनों से भी पानी निकाल दिया। इन वडेरों ने, पीपल्स पार्टी के बासर वडेरों ने अपनी जमीनों से पानी निकालने के लिए गरीबों के गोट डुबो दिए। और आज मैं पूछना चाहता हूं कि इसका जिम्मेदार कौन है? मैंने भी आपको मीडिया का शुक्र गुजार, उन्होंने भी दिखाया, हमने भी बताया, लेकिन वजीर आला सिंध सिर्फ ये कहते रहे कि जी वफा कुछ नहीं करी, वफा कुछ नहीं करी। वजीर आला साहब, ये पानी DC ने निकालना था, आप जिम्मेदार थे। इरीगेशन डिपार्टमेंट निकालना था, आप जिम्मेदार थे। और क्यों नहीं निकाला आपने? अपनी जमीनों का, अपने लोगों की जमीनों का जब आपके DC पानी निकलवा सकते हैं। इस कत्ल के जिम्मेदार पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, वजीर आला सिंध और उनकी टीम है, और ये सारे मिरासी हैं जो सारे दिन बातें काम, रैली निकाल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अरे भाई जाओ लोगों से पानी, रैली बाद में निकालना, मुतासर इलाकों से, बरसात ज्यादा इलाकों से पानी निकालो, लोगों की मदद करो। हम चीख रहे थे, मैं चीख रहा था, हमारी पार्टी चीख रही थी, खुदारा इन इलाकों से पानी निकालो, आपने निकालना था। आज ये एक लड़की मर गई और लोग बेचारे तबाह बर्बाद हो रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ ये बहुत खौफनाक एक वाकया हुआ आज इस वक्त सुबह में, कि एक बेचारी बच्ची लड़की जो है वो शादी पल्ली गोट मजीद पावर की मीरन कोली जो है वो पानी में, शराब के रुके हुए गंदे पानी में, सलाब बारिशों के पानी में, जो कि 20 रोज से सिंध गवर्नमेंट नहीं निकाल सकी, उसमें डूब कर
मर चुकी है, गरीब लोग हैं और अब पानी निकलना चाहिए और मैं कहता हूं इसके कत्ल की FIR जिम्मेदारों के खिलाफ दाखिल होनी चाहिए और मैं इंशाल्लाह इन्हें माफ नहीं करेंगे। ये कातिल हैं, ये मैं समझता हूं, मैं कहता हूं न खपे न खपे पीपल पार्टी की हुकूमत, न खपे ये जालिम हुकूमत, न खपे करप्ट हुकूमत, न खपे चोर हुकूमत, न खपे। कैबिनेट टीम के साथ शरीफ महर, HNN News, मीरपुर खास।